जय कलाम विष्णु की पावन सत्य भक्ति सुनी संत गुरु महाराज की जय। जय कलाम विष्णु की पावन सत्य भक्ति प्रज्ञान विष्णु से महाराज की जय। जय कलाम विष्णु की पावन सत्य भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभु गुरु पाद की जय। सर्वस्वामी विष्णु भक्त सुधा सत्य महाराज की जय। सत्ता आदर्श भक्ति गुरु ठाकुर की जय। वैष्णव सार गोपाल श्री जय महाराज की महाराज की जय। जय श्री कृष्ण श्री जी कृपा भगदास श्री कृष्ण प्रभु की जय। जय श्री सर्वप्रभु श्री गौरव की जय। समाचार श्री कृष्ण श्री श्री जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोगो के गोगो प्रभु द्वारा श्री प्रजापति की जय। द्वादश भगवान की जय। श्री शाकुंतल की जय। राधा की जय। गोराजा देवी की जय। इसमें ऐसे जवाब देखिए मैंने सही जगह नेटवर्क बता रहा था कम आ रहा है।
हरे कृष्ण
भजन मिलेगा एक हंड्रेड बच्चे को लीव भजन मिलेगा, दोनों को ही ये भजन मिलेगा। इसलिए श्री नारद जी कहते अभी उन्होंने क्या किया, देख देख करके पिता माता को, माता जी को देख देख करके उसने क्या किया, सब कुछ सीख गया कैसे मैया साधु संतों की सेवा करते हैं। फिर वहाँ पर जो साधु संत थे ना, सचमुच से वो साधु थे, सचमुच से वो लोग साधु ही थे। कहते जो अगर हृदय में भक्ति की भाव अगर अंकुर हो जाए, कैसे उसके अंदर में नौ गुण उसके अंदर में प्रकाशित होता है। कितना गुण होता है प्रकाशित, क्या क्या बोलो बोलो, क्या क्या है बोलो, कौन बोले। इसलिए कहते शांतिर अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कहते ये भाव की जब अंकुर प्रकाशित होता है किसकी जीव का हृदय में, सचमुच से जिसको हृदय में सचमुच से भगवान की भक्ति में जिनको रुचि है उनके अंदर में नौ गुण दिखेगा। देखो क्या कहते हैं, बोले शांतिर पहला गुण है, भले ही जीवन में जितने दुख कष्ट क्यों नहीं आए लेकिन वो भगवान भक्ति से कभी विमुख नहीं होता, भगवान की भजन कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे नहीं थोड़ी सी कोई दुख कष्ट आया, खाना नहीं छोड़े, भजन नहीं छोड़े, घूमना नहीं छोड़े, सोना नहीं छोड़े, माला छोड़ दी, बोले भगवान कितना भजन किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया। जैसे मीरा के ऊपर में कितने भक्ति आई, कितने विपत्ति मीरा के ऊपर आई, राणा ने भेजा जहर का प्याला और अमृत करके पी गई, उनने सांप की पटरा भेज दी हैं, वो सालग्राम हो गया, भेज दिया जहर और उसको पिया तो अमृत बन गया। कितना उसने प्रहलाद के ऊपर में कितना कष्ट आया लेकिन उसने भजन छोड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान के भजन कभी नहीं छोड़े। इसलिए यहाँ कहते हैं शांति मतलब दुख का विषय आने पर भी, खोब का विषय आने पर भी जिसका हृदय में थोड़ी सी भी हृदय कभी चंचल नहीं होता है, वो निरंतर जमय रूप में वो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भगवान की भक्ति को कभी वो छोड़ते नहीं। ये पहला गुण है शांति बोले अभ्यर्थ काल, तो कहते जो समय को ये कभी भी बर्बाद नहीं करते। ऐसे नहीं समय मिला इधर का चुगली, इधर की बुराई, इधर सारा दुनिया की उल्टा पुलटा सब सुन कर दी, कहते वो क्या करते हैं समय को सही प्रयोग करते हैं। समय मिले तो भगवान कथा सुनेंगे, नाम करेंगे, ठाकुर का सेवा पूजा करेंगे, कभी भी समय को इधर उधर बात में बैठ करके घंटे घंटे तक बिना कारण की बात से उसने ऐसे कर दिया, उसको घर में ऐसे हो गया, उसको ये हो रहा है, कभी भी बकवास इधर उधर भक्ति छोड़ करके दूसरे बात कभी करते नहीं। अभ्यर्थ काल तो विरक्ति, विरक्ति मतलब तीसरा नंबर है जिसमें भगवान की भक्ति की कोई मतलब नहीं है, कहते वह चीज़ से वो दूर रहते, और जिसमें भगवान की भक्ति का कोई विषय हो उसमें ही इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें ही वो इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए विरक्ति बोले मान शून्यता मतलब होता है वो कभी भी हमें इज्जत कोई दे नहीं दे इसको ऊपर में वो कभी ध्यान नहीं देता है, कभी भी अपना इज्जत के लिए लालायत नहीं होता, लेकिन सबको इज्जत देता है। क्यों, सभी के हृदय में भगवान की निवास है, सबके हृदय में, इसलिए क्या करता है सबको यथा योग्य सम्मान देता है। आशा बंध मतलब है भगवान हमें मिलेंगे उसकी हृदय में ये दृढ़ विश्वास है, एक दिन ठाकुर का दर्शन मुझे जरूर मिलेगा, एक दिन भगवान हमें जरूर भगवान मिलेंगे इसके हृदय में ये जो आस है, जो भावना है उनके हृदय में ये भावना बनी रहती है। समुत्कंठा मतलब है हर समय उनका हृदय में उत्कंठा बनी रहती है, कब भगवान मिले कब ठाकुर जी मिले हमें, इसमें उत्कंठा रहती है। बोले नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम में कीर्तन में भजन में उसका हर समय रुचि रहती है, उसकी हर समय उसमें इंटरेस्ट बनी रहती है, हैं? नाम गान सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की कथा सुनने में उसको बहुत अच्छी लगती है, आसक्ति बड़ा उसमें आसक्ति। जैसे एक दिन अगर हम अन्न नहीं खाए, एक टाइम अगर रोटी नहीं खाए ना, हम क्या खाए रोटी, दिन भर रोटी का मुंह नहीं देखा,
दिन भर रोटी का हमने मुंह ही नहीं देखी, हम ऐसे होते ना। इसलिए भैया रोटी में अगर इतने टेस्ट हो तब भगवान की भक्ति में भगवान की भजन में कितना आनंद नहीं हो। इसलिए हर समय अगर भगवान की कथा नहीं सुने तो उसको लगता है आज तो दिन भर हमारी बेकार चला गया, समय हमारी बेकार चला गया है। आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बसत स्थल, जहाँ पर भगवान की लीला स्थली है वो स्थान में उसकी रति रहती है, उसकी भावना रहती है। वृंदावन कब दर्शन करें, नवद्वीप जगन्नाथ जी को जहाँ जहाँ प्रभु की लीला स्थली है वो लीला स्थली में उसको बड़ी आसक्ति बनी रहती है। कहती ये केवल भाव की अंकुर अवस्था में इसके अंदर में ये लक्षण रहता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते नारद जी जब उन्होंने ऐसे उन्होंने भक्त की संग की, सचमुच से साधु थे, उनका संग किया तो देखो जैसे संग करोगे रंग भी ऐसे चढ़ेगा ना, जैसे जैसे संग करोगे रंग भी वैसे चढ़ेगा। कहते उनको उम्र में अपने आप उसका रंग अपने आप चढ़ने लग गया, संतों की रंग चढ़ना शुरू हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जग जग आतरती श्रेष्ठ, मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसे आचरण करते हैं उसका जो नीचे जो व्यक्ति है उसको देख देख करके उसको सीख लेते हैं। कहते सजत प्रमाणम कुरुते, कहते वो जिस चीज को प्रमाण रूप में स्थापन कर देते हैं, कहते लोकस्तद अनुवर्तते, लोग क्या करते हैं उसको ही अनुसरण करते। अरे अमुक साधु ने ऐसे भजन किया, अमुक साधु ने ऐसे भक्ति करते थे, अमुक भक्त ने ऐसे करते थे, हम भी ऐसे ही हम करेंगे। जैसे नारद जी भक्तों को देखा संग किया, बोले ऐसे भजन करते थे, ऐसे भक्त करते थे, बस उनका प्रति स्वाभाविक रूप में उनकी प्रेम हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसे करते हैं उसको जो नीचे को जो व्यक्ति उसको देख देख करके अपने आप वो चीज़ को सीख जाते हैं। कभी जो श्लोक है इस श्लोक में ये बता रहे थे अभी शुभम प्रभु महाप्रभु की लीला में बताए, बोलो नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्मों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड ज्ञापित करता हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जैन त्रिलाभ श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रोत सिद्धांति गोस्वामी महाराज के भी अनंत कोटि चरणों में दंड प्राप्त करता हूँ। उसके उपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों के चरणों में यथायोग्य दंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्री अद्वैताचार्य जी को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जो दिव्य दर्शन दिए थे वही मैं लीला सुनाने की थोड़ी सी चेष्टा करूँगा। वैसे तो ये लीला जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तार रूप में जो है गुरुदेव ने कई बार सुनाई भी है, लेकिन मैं तो उसकी कोशिश भी नहीं कर सकता, थोड़ा सा जो सुनने के बाद समझ में मुझे आया मैं उसी को ही दोबारा से दोहराने की कुछ चेष्टा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये अद्वैताचार्य जी कौन है। तो अद्वैताचार्य जी को बताया गया यहाँ पर सदाशिव बताया गया है और महाविष्णु के ये अवतार है। जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जब लीला शुरू हुई तो उनको जब इस धराधाम पर आना था, अवतार लेना था, तो अवतार लेने का जो कारण है वो अद्वैताचार्य जी हैं। इन्हीं के ही आह्वान पर श्री कृष्ण ने राधा रानी के अंग और उनके भाव को लेकर के जो है इस धराधाम पर अवतार लिया नवदीप धाम में। तो यही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु आश्री अद्वैताचार्य जी को जो है अपना दर्शन देना चाहते हैं। तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य। जब इन्होंने उनके आसपास कुछ भक्तों ने सुना कि अद्वैताचार्य जी को जो है पुकार रहे हैं, तो अद्वैताचार्य जी को जाकर के कुछ भक्त कहते हैं कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु आपको जो है दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप जाइए उनके निकट और उनके जो है दर्शन लाभ कीजिए। तो श्री अद्वैताचार्य जी अपनी पत्नी सीता देवी के साथ महाप्रभु के निकट उपस्थित होते हैं। श्री अद्वैताचार्य जी ने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के दिव्य दर्शन किए और उन्होंने उनके अंदर ऐसे ऐसे चीज़ों को अनुभव किया। जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया इतना है कि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कुछ गुण कुछ लक्षण बताऊंगा जो अद्वैताचार्य जी ने बताए हैं जब उन्होंने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के दर्शन दिव्य दर्शन जो है किए। सबसे पहले अद्वैताचार्य जी कहते हैं
कि महाप्रभु का जो शरीर है वो तपते हुए सोने के समान था, जैसे कि लाल होता है ना बिल्कुल सोना, तो गौर वर्ण के श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जो है दर्शाए गए हैं। महाप्रभु का लावण्य करोड़ों करोड़ों जो है कामदेवों को पराभूत करने वाला था। उनकी दोनों भुजाएं जो है दो स्तंभों के समान, स्वर्ण स्तंभों के समान प्रतीत हो रही थी, और उन स्वर्ण स्तंभों पे मानो बहुत सारे जो है रत्न जड़े हो, और वो रत्न जो जड़े थे उनमें से भी अलग अलग तरह की झलमल झलमल जो है रोशनी प्रकाशित हो रही थी। महाप्रभु के वक्ष स्थल पर दो तरह की मणि का वर्णन यहाँ पर बताया गया है, एक बताया है श्रीवत्स और एक है कौस्तुम्भी मणि, ये भी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर पर उस समय विराजमान थी। कानों में मकराकृत कुंडल थी जो झलमल झलमल की ध्वनि को जो है प्रकाशित कर रहे थे। गले में वैजयंती माला थी, धीरे धीरे मानो वो झूला झूल रही हो इस तरह की आवाज जो है वैजयंती माला से आ रही थी। महाप्रभु के चरणों में श्री लक्ष्मी देवी जी विराजमान थी, तथा अनंत नाग मतलब जो विष्णु जी जब अनंत नाग पर सैया पर जो विराजमान होते हैं, ऐसे ही श्री लक्ष्मी जी तो उनके चरणों में थी पाद सेवन की तरीके से, और अनंत नाग जो है उनके सर पर छत्र बन करके उनकी जो है सहाय कर रहे थे। महाप्रभु के चरणों के निकट ही चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी शिव, अन्य अन्य आदि देवता जो थे वो सभी लोग जो वहाँ पर बैठ करके हाथ जोड़ करके और आनंद पूर्वक उनकी जो है लीला को आनंद पूर्वक उनका जो है गान कर रहे थे। और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरणों के समीप ही मगरमच्छ पर सवार होकर के परम सुंदरी श्री गंगा देवी जी भी जो है वहाँ पर उपस्थित हुई थी, और वो भी हाथ जोड़ करके ही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का गुणगान बखान कर रही थी। महाप्रभु के निकट ही उनकी पत्नियां जो है आंखों में जल अश्रु धारा को प्रवाहित करते करते क्रंदन करते करते मतलब रोते रोते उनका गला जो है अवरुद्ध हो चुका था, वो बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु की वंदना करे ही जा रही थी। इतना ही नहीं हुआ, आकाश में भी जो है ऐरावत हाथी हंस अश्व आदि हजारों प्रकार के विमानों से जो है आकाश उस दिन भर गया, और मानो के अन्य अन्य जो देवी देवता हैं वो सभी के सभी जैसे इंद्र आदि देवता जो हैं सब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पुष्प की जो है वर्षा कर रहे हों। जब इस सारे के सारे दृश्य को श्री अद्वैताचार्य जी ने देखा तो उनके अद्वैताचार्य जी ने देखा और उनकी पत्नी सीता देवी जी भी उनके साथ ही थी, जब उन लोग दोनों ने इस दृश्य को देखा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त किए, तब वे जो है हतप्रभ रह गए और उनके मुख से एक भी शब्द जो है निकल नहीं पाया, बिल्कुल वो जो है साइलेंट हो गए। इसके ना एकदम मौन सा हो जाना देख करके ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये किस प्रकार की जो है लीला भगवान अपने प्रकाशित कर रहे हैं। और जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अद्वैताचार्य जी तो अब कुछ भी शब्द कहने के लायक ही नहीं रहे, तो उन्होंने कहा इस प्रकार मोहित मत होइए अद्वैताचार्य जी। श्री गौर सुंदर ने उनको लक्ष्य करके कहा, हे आचार्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण ही तो मुझे यहाँ आना पड़ा है, आपने ही तो जो है अपने हाथ में एक चुल्लू में जल भर करके तुलसी पत्ता मुझे अर्पण करके यहाँ आह्वान किया था, आने की प्रतिज्ञा ली थी, आपकी ही प्रतिज्ञा के कारण तो मुझे इस धराधाम पर आना पड़ा है। जैसे ही तुमने वरना मैं तो जो क्या है क्षीर सागर में जो है शयन कर रहा था, और जैसे ही तुमने संकल्प लिया मुझे बुलाने का यहाँ पर प्रतिज्ञा ठानी, मैं वैसे ही मेरी निद्रा जो है भंग हो गई। इसके अलावा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को कहते हैं कि जो तुम ये मेरे आसपास और भक्त देख रहे हो ये और कोई नहीं, ये सब मेरे परिकर ही हैं जो मेरी लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए इस धराधाम पर मेरे साथ ही अवतरित हुए हैं। जिन वैष्णवों के दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी ललायित रहते हैं, आज तुम्हारी कृपा से श्री अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं, आज तुम्हारी कृपा से साधारण मनुष्य भी उन सभी वैष्णवों का दर्शन अनायास ही कर रहे हैं, और उनके दर्शन करके वो धन्यात धन्य अपने आप को जो है महसूस कर रहे हैं। जब श्री अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु के इन वचनों को सुना तो वो प्रेम से विहल होकर के कहने लगे, हे प्रभु, चारों वेद आपके विषय में वर्णन तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेदों ने भी कभी आपका जो है इतना दिव्य दर्शन नहीं किया होगा। उन्होंने सिर्फ बखान किया है, वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने भी आपका जो है इतना दिव्य दर्शन को कभी नहीं किया। आज मेरे सारे जन्म के जो है सब कर्म सफल हो गए हैं जो मैंने आपके ऐसे दिव्य दर्शन को प्राप्त किया। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की ओम जय कुरु सर्व जय जय सदा।
जो मेरे गुरुदेव है ना वो अंबिका कालना में है। उन्होंने पहले बता दिया
कि मेरे गुरुदेव है जो तो अंबिका कालना में, मैं उनसे दीक्षा प्राप्त करूंगा। तो उनके पिताजी ने कहा तुम वहाँ जाओगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि अभी सब लोग गंगा सागर की ओर जा रहे हैं, सब मैं भी उनके साथ चले जाऊंगा। तो पिताजी को बड़ा दुख हुआ कि वो अकेले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी को मना लिया और वो चले गए। तो देखो कि बताया गया कि गुरु और शिष्य का संबंध होता है ना, वो सनातन है। गुरुदेव का पहले से संबंध होता है, शिष्य और गुरुदेव का, ऐसा नहीं कि अभी से हम, जब हमारा शुरू से सनातन संबंध है गुरु और शिष्य का। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदा नारायण गोसाई महाराज जी, जो बक्सर जिले में एक पुलिस ऑफिसर थे, तो जब वो अपने परम गुरुदेव से मिले थे, तो उन्होंने उनसे बातचीत करने के बाद एक बार उन्होंने मन बनाया कि वो उनसे मिलने जाएंगे नवदीप। तो जब वो ट्रेन में बैठ के चले गए, उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, है ना, उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया भी नहीं मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, तो वहाँ एक भक्त पहली से आके उन्होंने कहा कि नारायण तिवारी, नारायण तिवारी। उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता मैं आ रहा हूँ? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव ने बताया कि आप आ रहे हो। तो देखो कैसे संबंध, पहले से ही संबंध था और वो उनको लेके चले गए। तो उसी प्रकार जब वो उनका पहले से उनका संबंध था, वो वहाँ गए, तो जो उनके गुरुदेव थे उनका नाम था हृदय चैतन्य। तो उनका नाम ही हृदय चैतन्य कैसे पड़ा? उनका पहले जो नाम था वो था चैतन्य। तो जो वो किन के शिष्य थे? वो थे शिष्य गौरीदास पंडित के। तो जो बताया गया जो गौरीदास पंडित है कौन? ये है सुबल सखा, भगवान कृष्ण की जो द्वादश गोपाल हैं उनमें एक है सुबल सखा, ये उनका ही स्वरूप है। तो उनके जो शिष्य, वो उनका सख्य भाव था भगवान से। तो उन्होंने सुना था कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी उनके घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो एक बार उनके घर में हमेशा गौर पूर्णिमा मनाई जाती थी। तो एक बार गुरुदेव लेट हो गए, वो कहीं गए हुए थे। तो जब उनके शिष्य थे चैतन्य, उन्होंने कहा हर साल हमारे मठ में प्रोग्राम होता है, तो इस बार तो हो नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, गुरु की मनोविश को जान के कि भैया हर बार ये ऐसा प्रोग्राम होता है, तो मैं भी इस बार प्रोग्राम करूँगा, वैष्णवों को आमंत्रित करूँगा और बहुत बड़ा उत्सव करूँगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा सब वैष्णवों को आमंत्रित किया, बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम हुआ। तो जब गुरुदेव वहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो मेरे से बिना पूछे ही प्रोग्राम कर दिया, है ना। तो ये सिर्फ लीला है, लीला मात्र। तो उन्होंने शिष्य को बोला तुम जाओ, और जो चैतन्य थे उनको बोला तुम यहाँ से जाओ, थोड़ा उनसे नाराज़गी दिखाई और वो चले गए। तो जो नित्यानंद प्रभु जी थे और महाप्रभु जी थे ना, वो भी उनके साथ साथ चले गए। तो जब वो वापस आए गौरीदास पंडित, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का दो विग्रह है, दो विग्रह नहीं थे, विग्रह कैसे वहाँ पर प्रकट करो, विग्रह कैसे प्रकट करोगे? यदि ये जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे कि गौरीदास कौन थे? कृष्ण लीला में कृष्ण का सुखा अब तक तो प्रिय सकता है। एक समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को धर्म में जब घर में गए, वो कितने सेवा क्योंकि उसने सेवा की और उनको घर से छोड़ने के लिए रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना कर खिलाते, बढ़िया बढ़िया प्रसाद। पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बोलते अब तुम बूढ़े हो गए हो, इतना क्यों बनाते हो, इसलिए इतना बनाया तो भोजन नहीं करें, बोले आज आज खा लो, कल से और इतना नहीं बना। मगर दूसरे जब बंगाल में अब जाओगे ना, एक दाल एक सब्जी लोग नहीं खाते, वहाँ पर तीन चार चार तरह भाजी बनाते, दो तीन तरह दाल बनाए, दो तीन तरह सब्जी, जब ढाबों को भोग लगाते ना, एक चीज से ढाबो नहीं देते, नहीं लगाते ढाबे, अब पाँच छः तरह का सब्जी उतनी तय खा देते, और साग भाजी बनाने इतने बनाते, फिर वहाँ रोज उनके साथ लड़ाई हुआ करते। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोले तो देखो बहुत दिन हो गया, अभी तो हमारे भी तो बहुत सारे काम है ना, अगर तुम्हारी घर में रहेंगे तो हम जिस काम के लिए जगह में आए वो काम तो करना पड़ेगा। तब बोले प्रभु आज क्या कल से, फिर जब कल आता है बोले आज हम जा रहे हैं, जो भैया नित्यानंद तो वहाँ जा रहे हैं, बोले प्रभु आज घर से आप कल जा रहे, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया कालना। कालना मतलब कहते कल जाना, जब कल आ जाता अपने नाम, मतलब आज नहीं कर कल, इतना दिन लोग निष्कर से जाने नहीं थे, और भगवान प्रेम की बस है, ठाकुर जी प्रेम किया जी ने, बोले देखो हमें जाना पड़ेगा, हम तो छोड़ना ही पड़ेगा।
भले नहीं आपको छोड़ नहीं सकता, बोले ठीक है, बोले एक काम करो नीम का तो मूर्ति बना, हमारे दोनों भाई जैसे पिता तो आप लोग दो मूर्ति बना, दो मूर्ति बनाए। देखो हम जो ठाकुर को दर्शन करते हैं ना, ये मूर्ति नहीं साक्षात भगवान, जब उनका प्रतिष्ठित हो जाता ना ठाकुर जी, वो पत्थर नहीं रह जाते, वो लकड़ी नहीं रह जाते, भगवान हो जाते। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे नोट है, हैं 2000 का नोट देखो और सब देखो सब देखो आप देखना, उसमें जब सरकार का कागज है ना, एक रुपया भी नहीं होगा कागज, लेकिन उसमें जब सरकार का मोर स्टाम लग जाता है वो क्या बन जाता है, 2000 रुपया बन जाता है। अब 2000 का चीज अगर कहीं लेने जाओगे, 2000 दे के उसका सामान क्यों उसमें स्टाम लगती है। उसी तरह जो विग्रह है, जब किसी शुद्ध साधु को द्वारा वो ठाकुर जी को स्थापन कर दिया रजना है, वो लकड़ी नहीं रह जाते, पत्थर नहीं रह जाते, वो क्या बन जाते हैं, वो भगवान बन जाते, वो ठाकुर जी बन जाते। देखो अगली बार आप सबको ले चले, ठीक है, इसलिए क्या हुआ मैंने अभी बोले हम दोनों भाई के लिए हम जैसे ठीक कैसे नीम का दो ठाकुर बनाओ है मूर्ति बनाओ, अभी नीम के दो मूर्ति बनाई गई, जब मूर्ति बनाई अभी चारों के लिए पतल में और पीढ़ी लग करके भोजन रखा, ये जो मूर्ति थे ना दोनों पीढ़ी मूर्ति भी, अभी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने किए बताओ अभी तुम किसको रखना चाहते, हम दोनों भैया को रखना चाहते ना कि दोनों मूर्ति को, बोले मूर्ति से क्या मतलब, आप कब रखना चाहते, अरे इतने बोलते ही वहीं पर तो वहाँ पर तो नित्यानंद प्रभु महापुरुष स्वयं रह गए, ये जो दोनों मूर्ति थे ना वो चलना शुरू कर दिया, जो लकड़ी का जो मूर्ति वो चलना शुरू कर दिया, इन्होंने देखा ये क्या हो गया, ये तो स्टैचू बन गए और जो मूर्ति बना था वो तो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बोले कहाँ जा रहे हो, बोले तुम हमको रख लिया ना, बोले नहीं उनको नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए हमें, बोले ठीक है हम तो रह जाते करते ही, वो दोनों बन गए मूर्ति और जो मूर्ति चैतन्य महाप्रभु जी को मारने के लिए दौड़ पड़े कि तुम बिना बताए कैसे चले गए।
तो जैसे दूर से चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि ये अरे तो सुबल सखा आ रहा है गौरीदास पंडित जी, उन्होंने क्या किया, वो सूक्ष्म रूप में और जो वो शिष्य था उनका चैतन्य उसके हृदय में जाके छुप गए। तो जाके छुप गए। अब वहाँ जब वो आए गौरीदास पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी कहाँ गए, तो उन्होंने देखा तो पता लगा उन्हें कि वो उनके हृदय में चले गए। तो उन्होंने तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जो मेरा शिष्य है ना कोई साधारण नहीं है, जो महाप्रभु मेरे शिष्य के हृदय में चले गए मतलब ये कोई साधारण नहीं है। तो बताया गया कि इसीलिए इसका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य। इसलिए केवल आप देखोगे भारत में केवल दो ज्यादा है, कई से ज्यादा है जहाँ पर ठाकुर जी को एक नजर से देखने नहीं लगी। एक ही मांगव्य है, गहरे मांगव्य है, भगवत मांगव्य है। आप देखना आपको एक नजर से बांधी दिया है तो नहीं देखा, देखना एक बीच बीच में दर्दन बीच बीच में स्क्रीन पर कटोर क्यों बोले, कभी कोई ऐसे एक भक्त आया और ठाकुर जी प्रेम की वजह से तो भक्त प्रेम में पास नजर प्रेम का होता है आंखों के आंखों जो होती है तभी प्रेम उसको पहले प्रेम नहीं होता। मैं कहता आपको भी बात करता है बोले ठाकुर को कई सौ देखते कई सौ हो गए ठाकुर को नजर लगाना ठाकुर जी सवेरे उन्होंने क्या क्या बांधी दिया थी उनका प्रेम में बसी को ग्रहण करके पांच ठाकुर जी चल मंदिर छोड़ के चले गए। सवेरे जब पूजा देखा मैंने ठाकुर का है बोले रात में एक व्यक्ति आकर के खूब रो रो कर ठाकुर का दर्शन कर रहा था। इसलिए आप वहां पर जाते ना एक नजर से ठाकुर को देखने नहीं देंगे, बीच बीच में पर्दा लगाएंगे पीछे कुछ पल देंगे पर्दा लगाए खोलेंगे, लेकिन वो दो जगह की ध्यान की दर्शा है तो बलराम प्रभु आप सुबह लेंगे आजा इस कॉलोनी का नाम ही भगवान राम के नाम से तक पड़ गया।
में सारे भक्त रहते हैं। क्या अपना बगीचा नहीं करता, गुरुदेव भक्त भी उधर ही आस पास सभी, और इसलिए आप सबसे गर्भवती माँ जोर की प्रार्थना है कि इस मंदिर के निर्माण में आप सभी, ऐसा नहीं है केवल एक व्यक्ति के चाहने से ये मंदिर निर्माण होगा, आप सब अपनी अपनी स्वभाव के हिसाब से, अपनी अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से अपने मित्र को चुनेंगे कि मैं इसके साथ रह के अच्छा प्रचार करके अच्छे से भगवान के लिए सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आजकल बहुत क्या कहते हैं ना कि बहुत चीटिंग भी चल रही है। चीटिंग क्या चल रही है कि एक व्यक्ति के पास एक बार बहुत से लोग गए और कहने लगे भैया कुछ दाम दे दो, तो वो व्यक्ति बोला हाँ मैं दाम तो अवश्य दूंगा, पर मैंने सुना है कि गुप्त दान की बड़ी महिमा है। हाँ इससे तो बड़ी कोई बात नहीं, आप गुप्त दान दे दो चेक दूंगा। वो बोला कि चेक दूंगा, अरे हाँ हम तो चेक स्वीकार कर लेंगे, तो चेक ही दे दो। तो उसने भाई साहब 1 लाख रुपए का चेक दे दिया और वो भी चुपचाप लेके चले गए। तो जब बैंक में गए तो बैंक वाले ने चेक खुलाने से मना कर दिया, कहने लगे चेक पास नहीं होगा। तो उनसे बोले भाई क्यों नहीं होगा, कहने लगे साइन तो है ही नहीं इस पे। तो वो वापस उसके पास आए, कहने लगे भाई साहब इसमें साइन तो कर दो। तो वो बोला भाई साइन कर दूंगा तो वो कहां रह जाएगा, तुम्हें पता नहीं चल जाएगा दान कितने किया। तो ऐसे को दान नहीं लेना, सबसे अच्छे से हो सके तो आप उसके लिए सामग्री लीजिए, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, धन से ज्यादा हमें सामान चाहिए, जैसे सीमेंट है, सरिया है, रेती है, ये सब सामान दीजिए। और उसकी भी ऐसा नहीं है कि उसने दिया और हमने ले लिया, उसकी भी हम बाकायदा उसको रसीद देंगे। तो आप सबसे बस इतनी ही विनती है कि इस मंदिर को निर्माण करने में आप जी जान से मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी गुरुदेव का बता रहे थे कि जो एक भी एक यहाँ दे देता है मंदिर निर्माण में, भगवान उसके लिए बैकुंठ धाम में अपना तैयार कर देते हैं। तो इसलिए आप इस उनके जगत को छोड़ के भगवान के धाम में अपना घर बनाने की तैयारी कीजिए और थोड़ी थोड़ी सी मीटिंग करते करके श्री राम का कदम में पहुंचाने की व्यवस्था कर दीजिए। अब लोग कह सकते हैं आपका जो परिवार में गई भाई थी आपको उसको प्रोत्साहित करके उसे प्रणाम करवा सकते। नमस्कार मैं कृष्णा प्रेस्ट जगन्नाथ जी उनके साथ बातें तो करते थे, तो एक रात जगन्नाथ जी उनके पास आए
थी, मेरे घर माखन की कमी थोड़ी ना थी, पर जो मजा चुराने में खाने में आता है वो मजा किसी चीज में नहीं आता। तो रामदास बोले, नहीं प्रभु, चुराना गलत बात है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो बोले, ठीक है नहीं जाओगे तो तुम्हारी मेरी मित्रता खत्म। बोले, प्रभु ऐसा ना कहो, कहते तो चलो मेरे साथ। तो बोले, ठीक है चलते हैं। तो वो राजा के महल में पहुंच गए। अब राजा के महल में पहुंच गए तो कटहल के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो बोले, जगन्नाथ जी, रामदास एक काम करो, तुम ऊपर जाओ और कटहल लेके आओ, मैं नीचे ही खड़ा रहता हूँ, जब कटहल तोड़ लोगे तो मुझे आवाज दे देना, मैं कटहल ले लूंगा। बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब रामदास पेड़ पर चढ़ गए और कहते हैं, जगन्नाथ जी, रामदास बहुत अच्छा सा कटहल लेना, बड़ा सा, मुझे बहुत भूख लगी है। बोले, ठीक है प्रभु। तो रामदास जी बहुत बड़ा कटहल और सुंदर सा लेते हैं, कहते हैं, जगन्नाथ मैं फेंक रहा हूँ कटहल, पकड़ लेना। बोले, हाँ हाँ फेंको, मैं पकड़ लूंगा। अब जैसे ही रामदास जी कटहल फेंकते हैं, जगन्नाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जैसे ही कटहल नीचे गिरा और कटहल के दो हिस्से हो गए। अब जैसे धड़म की आवाज हुई तो सिपाही वहां आते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या हुआ, कोई कटहल चुरा रहा है। तो जब वे ऊपर देखते हैं, कहते हैं, आ, ये तो रामदास जी हैं, प्रभु के भक्त हो के ये कैसा काम कर रहे हैं, चोरी। तो वो अब राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज आपको एक बात पता नहीं है, आज बाग में चोरी कर रहे हैं। बोले, कौन, किसका इतना साथ हुआ जो मेरे बाग में चोरी कर रहा है। बोले, रामदास जी। कहते हैं, रामदास चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो देखते हैं और रामदास जी नीचे आते हैं, कहते हैं, महाराज की आपको कटहल चुराने की क्या आवश्यकता थी, अगर आपको कटहल चाहिए तो मैं इसे ले लेते, मैं दे देता। कहते हैं, अरे मैं कहाँ चुरा रहा था कटहल, वो तो जगन्नाथ जी है ना तुम्हारे, वो ही आए और मुझे कहने लगे कटहल चुराते हैं, और जब मैंने नीचे गिरा तो और खुद अंतर जान हो गए। बोले, अच्छा जगन्नाथ जी, तो ये लीला उड़ीसा में बहुत दिनों तक प्रसिद्ध होती है। अब जगन्नाथ जी तो वहां से चले गए। तो जब अब जगन्नाथ जी की यात्रा होने वाली थी तो सुभद्रा मैया का, जगन्नाथ जी को बलदेव प्रभु का रथ सजता है। अब जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होते हैं। अब जगन्नाथ जी तो रथ को चलने को तैयार ही ना हुए, बहुत हाथी आए घोड़े, पर कोई रथ को खींच ना पाया। अब महाराज कहते हैं, जाओ रामदास को बुला के लाओ। अब रामदास जी आते हैं और रथ पर चढ़ के श्री जगन्नाथ जी के कान में कुछ कहते हैं। अब जगन्नाथ जी कुछ सुनते ही अब रथ तो फट देनी चलने लगा। ऐसी ही सुंदर सुंदर लीला जगन्नाथ जी अपने भक्त के साथ करते हैं। वांछा करते हैं कल कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट में दिखाएंगे, कैसे छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे ही बच्ची सुंदर सुंदर कथा सुनाती है ना, कैसे आप यूट्यूब में देखोगे बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते, सीख होगी आप, हाँ सारा दुनिया उनको कथा यूट्यूब में देखते हैं। इसलिए आप लोगों को उत्साहित करने के लिए कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे सुंदर सुंदर ठाकुर जी कथा सुनाते हैं, कल कोशिश करेंगे तो उसको प्रोजेक्ट में दिखाने में, ठीक है। जैसे तुम अभी कथा सुनाए, तुमने जैसे कथा सुनाती हो, इसमें तुम भी एक कथा, छोटी छोटी कथा है ना, देखो जैसे ये बच्ची अभी ये कथा सुनाएगी, इसको पूछो और कहीं से संग्रह करना पड़ा होगा और उसको दिमाग में बैठाना होगा, उसको लिखाना होगा, तभी जा करके ऐसे मत समझो कि खड़े होकर के ऐसे बोल के। अभी इसको दिन रात वही चिंता, जैसे कोई भी बच्चा पेपर देता है ना, पेपर देने के लिए ऐसे थोड़ी चल जाता है, ऐसे नहीं जाती है, पूरा तैयारी होकर के बच्चा को तैयारी होकर के जाती है। जब आप भगवान के ऊपर कुछ बोलोगे आपका दिमाग में दिन रात वही चीज बोलते रहे हैं, लेकिन ये दिमाग का काम क्या सोचना, दिमाग काम क्या सोचना, अगर तुम भगवान की बात में सोचोगे ना फिर क्या होगा, तुम्हारे दिमाग जो मन इधर उधर भट देगा नहीं। अगर भगवान की बात में नहीं सोचोगे क्या सोचोगे, घर माया ही सोचो, दुनियादारी सोचो, हैं दुनियादारी सोचो। इसीलिए कल ये छोटों सब सभी को उत्साहित करने के लिए वो कोशिश करेगा, अलग अलग लोग कैसे सुंदर सुंदर कैसे ठाकुर जी कथा सुनाते हैं, कल इसको प्रोजेक्ट में भी वो दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए जितने बच्चे हैं ना कोशिश करना तुम्हारी यार दोस्तों को बुला बुलाने की, ठीक है ना। और तुम लोग भी देखो जैसे लड़कियाँ जैसे सुंदर सुंदर कथा सुनाते, तुम
लंबी छोटी छोटी दो दो मिनट, चार चार मिनट, पाँच पाँच मिनट की कथाओं को तैयार करो, ठीक है। बोलते बोलते कोई वक्ता होते हैं, ऐसे कोई ऐसे नहीं कोई वक्ता हो जाता है, अगर बोलोगे ना तभी धीरे 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 आपका दिमाग में बोलोगे तो एक तरह का एग्जाम देना होता है। इसलिए तो लोग भी कोशिश करो, जैसे हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हम लोग कथा बोलना कैसे सीखेंगे, गुरुदेव हम लोग जैसे बच्चों को खड़े कराते ना। मैं जब पहला बार आया मंदिर में, मैं तो उड़ीसा का था, हिंदी भी मेरे को बोलना ठीक से नहीं आता था। जब मैं मथुरा में आया, गुरुदेव कैसे सबको सिखाया करते थे, तब जब मैंने आया कोई भक्ति विनोद ठाकुर का अतिथि आया, तब मेरा नाम उस समय था ब्रह्मचारी का नाम रसानंद था। बोले रसानंद तुमको जो भक्ति विनोद ठाकुर को बाहर में बोलो, उस समय मेरा उम्र बहुत छोटा उम्र था। बोला गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता हूँ। बोले तू मेरा आदेश पालन करोगे ना, मैं तेरा आदेश पालन करूँगा। अभी गुरुदेव सुनकर के मैं खड़ा होना पड़ा, लेकिन जीवन में पहला बार मैंने इतने लोगों को देख करके, वहाँ पर जब मथुरा में गुरु जब कथा करते थे बहुत सारे लोग, फिर वहाँ पर संत लोग भी बैठे हुए थे, सन्यासी ब्रह्मचारी, एकदम हाल भरा था। जब मेरे पहला बार खड़ा किया ना, मेरे शरीर में क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं चला, मेरे शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, हाँ एकदम पसीना पसीना हो गया। मैं जब बोला किसी तरह से बोल दिया, लेकिन गुरुदेव सबको उत्साह देते थे, बोले तुम तो बहुत बढ़िया बोले हो, लेकिन हम इतना बढ़िया नहीं बोले, क्यों भाषा मेरी बढ़िया और हिंदी में बोलना ये कोई साधारण बात ना है। फिर कोई तिथि आया, बलदेव विद्याभूषण प्रभु का तिथि आया, तो उसमें गुरुदेव स्वयं, कोई तिथि आ जाए ना, चार चार बार गुरुदेव बैठते थे, सवेरे एक बार, फिर 10 बजे एक बार, फिर शाम को, फिर जब आरती के बाद में एक बार गुरुदेव बैठते थे। चार बार वहाँ मथुरा में कथा रूपी नदी की मंदाकिनी बहती थी। जिन जिन्होंने गुरु जी से कथा सुन लिया ना, ये सब के सब धर्म धर्म हो गए। अभी भी ये यूट्यूब में रोज रोज दो दो कथा गुरु जी याद नहीं, हम लोग भी रोज रोज सुना करें, देखना अगर रोज रोज सुनोगे ना कितना कितना मिट्टी आती है। हाँ 25-25 मिनट की आती है कथा, जरूर सुनना यूट्यूब भक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज, हाँ गुरुदेव लेक्चर्स। आप कोशिश करना, आपका यूट्यूब में रोज रोज आती है, उसको सुनने के लिए कोशिश करना। इसलिए गुरुदेव ऐसे एक समय कोई बलदेव विद्याभूषण प्रभु का तिथि आ गई और उनको विषय में इतना है ही नहीं, तब गुरुदेव का ये था, पहले जिसको खड़े करते थे, जब वो किसी टॉपिक को बोल दिया, दूसरों को बोलते थे उसको स्पर्श नहीं करना, ऐसे नहीं उसने जो बोल दिया उसको खड़े होकर के फिर तुमने दो बार बोल करते, नहीं कुछ नहीं, उनको विषय में कुछ नई बात सीख्या की बात बताओ। फिर तीन चार को खड़े कर दिया, मैं तो छोटा था, बोले तू बोलो, बोले गुरुदेव सब तो बोल दी और उससे रखेगी, मैं क्या बोलूँगा, मैं नहीं बोल सकता। गुरुदेव मेरे को इतने गाली दिए सबके सामने जो सोच नहीं सकते, इतने गाली, बोले पिता माता को धोखे दिया, घर छोड़ कर के आया, क्या मंदिर में खाने और सोने के लिए यहाँ पर आया, गुरुदेव का ही पानी था, खाने सोने के लिए यहाँ पर आया, गरीब के घर में तो पिता माता की सेवा किया ही नहीं, और यहाँ पर आकर गुरु जी को भी धोखे यहाँ पर देते हो, हैं इसलिए यहाँ पर आए हो, हमारे गोस्वामी का विचार सिद्धांत तत्व को समझो, अच्छे तरह से समझो, उसमें प्रवेश करने के लिए कोशिश करो, उसको पढ़ने के लिए बोलो। जब गुरुदेव ऐसे गाली गुरुदेव निकालना, तेरे साधु संत जिसको शासन करते हैं ना, उनका जीवन बदल जाता है। गुरुदेव एक बार मेरे को उन्होंने डांट लगाई और उसी से ही मेरा जीवन बदल गया, और मैं अगर 20-25 दिन पहले अगर कोई गुरु का रखता इतिहास होता ना, मैं पढ़ना शुरू कर देता था। अगर गुरुदेव पूछेगा अगर बोल नहीं पाया तो फिर गाली देंगे, ऐसे बोलते 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 गुरु जी का आशीर्वाद से जब कहीं भी तिथि आती थी, गुरुदेव पहले से मेरे खड़े करते, सबसे पहले गुरुदेव मेरे खड़े करते। इसलिए मैंने देखा गुरु जी के जो शासन हैं वो कितने कल्याणदायी। फिर जो विदेशी लोग आते थे, पहले मैं कथा बोलता था, मेरी कथा ट्रांसलेशन होता था, पूरा विदेशी लोग सुनते थे। अभी भी रशिया में रिज्यूम में क्लास शनिवार सैटरडे देता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया में यहीं से हम क्लास देते हैं, लोग सुनते हैं। इसलिए आप लोग भी धीरे 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 कोशिश करो, उत्साहित हो। हाँ जैसे अभी क्या सुबह अभी बोलता है, अभी वो बोलते 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 धीरे 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 उसका जो बोलना धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, रोज रोज थोड़ी थोड़ी बोलता है। इसलिए हम भी सबको कोशिश सूचक देते हैं बोलने के लिए, ठीक है। तुम लोग भी कोशिश करना, दो दो मिनट, चार चार मिनट, पाँच पाँच मिनट, ज़्यादा नहीं,
थोड़ी 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 बोलने के लिए कोशिश करना, ठीक है बच्चों? और बोलोगे तो आप, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ कोर्स बनाने की, कभी 10-15-20 क्लास आपको सिखाएंगे, जैसे कहीं भी आप जाओ आप लोगों को बोल सकोगे भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत हमें भक्ति करने का, हम तो घर में खा पी रहे ठीक से रहे हैं, फिर हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। हम कोशिश करके आपको 6-8-10 टपिक आपको पढ़ाने के, ठीक है? आप लोग कोशिश करना, अगर वो टपिक को आप पढ़ लोगे ना, आप किसी को भी भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हो। और कोशिश जब हो गए देखना, सबको एक दिन पूरा बड़ो तो ही भगवान की भक्त बन जाएंगे, सबको लाट मिटिल बैठी माला और सबके सबको देखो क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ठीक है, आप लोग कल सबके ज्यादा से ज्यादा आप लोग सबके से पढ़ता है ना, और इस विषय पर वो कोशिश करके सबको दिखाने के, ठीक है? बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। Thank you.